अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज सुबह जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा मेरा जो सबसे बड़ा वाला मुर्गा था उसका पैर जो है वो फिश वायर में फंसा हुआ था, जो हमने 2 4 दिन पहले फीडर को लटकाने के लिए बांधा था, तो उसमें उसका पैर फंसा हुआ था और वो काफ़ी देर से लटका हुआ था। तो मैंने जल्दी से उसको निकाला तो वो चलने से थोड़ा वो हो गया है, थोड़ा लंगड़ा रहा है। तो मैं अभी क्रीम वगैरह लेके आया हूँ, तो मैंने सोचा है उसको क्रीम वगैरह लगाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बोलो आशा, ये आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा वो हो चुका है, चलना फिरना शुरू हो गया और खा पी भी रहा है, ताकि उस वक्त भी। लेकिन इसका जो है पैर में थोड़ा सा हल्का सा जख्म आया हुआ, सीधे पैर में, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऐसे इसको पकड़ो, जरा मुर्गे को उठा के लाओ, ये अभी वो नहीं होगा, ये देखें आप कैसे। अरे अरे अरे, ये बाहर चला गया। हाँ पकड़ लिया, चलो इसको जल्दी से उठाओ। ये इसका पैर आप देख सकते हैं लाल हुआ हुआ है, मैं इस पर जल्दी से क्रीम वगैरह लगा देता हूँ ताकि इसको पेन रिलीफ भी हो जाए और इसको जो है जल्दी से हील हो जाए। ये क्रीम है हील इट, ये क्रीम मैंने थोड़ी सी अपनी उंगली पे ले ली है, अब मैं लगाता हूँ। इसको बहुत ही उससे पतली एक वो लगानी होती है ताकि इससे इसको जो है आराम भी मिले और इसका पेन वेन भी कम हो और जल्दी से ये हील हो जाए। ये इसके पैर पे हमने लगा दिए। अच्छा, ये वैसे खाना पीना बिल्कुल सही कर रहा है, पानी वगैरह भी सही कर रहा है बिल्कुल, या हम इसका मुंह भी देख सकते हैं। अरे अरे अरे, सही है बिल्कुल। चलो अब छोड़ दो, जाओ भाई अंदर जाओ। चलो चलो चलो, ये अब देख थोड़ा बेहतर तो हो गया। एक काम करो हाशिफ, फीडर में अभी खाना तो है, आप मील वर्म्स ले आओ, मील वर्म्स डाल देते हैं इनको। और ये तीनों चूजे इधर कोने में हैं, ये आप देख सकते हैं तीनों एक साथ ही रहते हैं, इनको भी अभी मील वर्म्स डालते हैं थोड़े से और फीड भी डालते हैं। ये पानी जो है मैंने चेंज कर दिया था, नया पानी भर दिया था। एक काम करो, मील वर्म जो है खोल के इस ग्रीन डब्बे में डाल दो, ये लोग खा रहे हैं ना तो इसमें आराम से खा लेंगे। चौक क्या वो खुल नहीं रहे? ओहो, ये अब खुल गए इससे बड़ी मेहनत के बाद। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा इसमें डाल दो, ये डब्बे में ये मैं उठाता हूँ, इसमें डालो, देख के नीचे ना गिरे क्या बल्कि। हाँ वैसे अभी गंद हो रही है ना, तो नीचे ना गिरे तो बेहतर है। बस मेरा ख्याल है इतने काफी हैं, अब थैली वापस सीधी कर लो, इसके आगे रख देते हैं। ये लो भाई, खा लो, आप लोग भी आ जाओ, जाओ खा लो, देखो खा रहे हो। जरा से जो है इनको भी दे देते हैं, इधर इधर भी डाल दिए। अब वो इधर आ गई है मुर्गियां अपना छोड़ के। चलो चलो सही, अब ये खाती रहेंगे, ये खा रहे हैं माशाल्लाह छोटे वाले भी। ओहो, आपस में लड़ भी रहे हैं, एक दूसरे के मुंह से छीन रहे हैं। ये देख सकते हैं आप करीब से, ये एक एक उठा के इधर उधर ले जा रहे हैं और खा रहे हैं उसको, फिर जल्दी जल्दी। ये देख रहे हैं आप करीब से, पीछे जो है ये भी खा रहे हैं अपना शौक से। ये आप देख सकते हैं इसका क्या हाल कर दिया इन मुर्गियों ने, ये इसके चोंचे मारते हैं और इसको पता नहीं क्यों ऐसा इससे लड़ते हैं, क्या करते हैं। ये दोनों भाग रहे हैं लेकिन एक दूसरे का, एक दूसरे के मुंह से छीन लेते हैं ये। उधर उधर क्या हो रहा है, ये उधर भी माशाल्लाह खा रहे हैं शौक से बहुत। ये अपना, इनको एक काम करो ऐसे वहां टक टक करो जरा जाके, ताकि वहां आए। ये मुर्गी आ गई है, ये पानी का जो भी फीडर है ये उठा के मुर्गे के आगे रख दो ताकि वो पानी वानी भी पी ले साथ साथ। और देखना मील वर्म्स के ऊपर ना रखना, थोड़ा सा ऐसे रखो ताकि वो, हाँ ये सब पी रहा है पानी। वो ग्रीन वाला एक और बर्तन है, वो फीडर उठा के लाओ, उसके अंदर पानी भर के रख दो ताकि इन इन छोटे चूजों के लिए पानी अलग होगा। अच्छा, इन्होंने फीड बहुत गिराई हुई है जमीन पे, तो
इसकी भी जो है सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने सोचा है यहाँ पे जो है जमीन पे वो राइस हस्क होता है ना, चावल का छिलका, वो भी छा दूँ ताकि इनके लिए आसानी हो। ये आश्रम ने पानी ला के रख दिया, ये अब आराम से ये लोग अलग अलग पीते रहेंगे। ये इधर आ गए कोने में, यार ये एक तो आ जाती है फौरन, अपना भी नहीं खाती, दूसरों के में उसमें घुसती है। हालांकि इसका और बड़ों का मैंने फीडर और पानी सब कुछ अलग रखा है, लेकिन फिर भी है इधर ही इनके उसमें आके खाना करती है और इनको मारती भी है, पता नहीं खाने भी नहीं देती इनको, और पता नहीं ऐसा क्यों करती है। ये मुर्गा बैठा हुआ, ये तो चलना शुरू हो रहा है, बेहतर हो रहा है, ये एक दो दिन में पूरा ठीक हो जाएगा। ये एक दोनों के उसमें खा रही है, ये समझ नहीं आ रहा है इन मुर्गियों का, क्यों उनको तंग करते हैं। तो भाई उनका अलग है, उनको अलग खाने दो, अपना अलग खाओ। ये फिर आ गई इनको मारने, ये बाहर मौसम देख सकते हैं काफी अच्छा हुआ हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपने देखा मुर्गे ने किस तरह अपने आप को तकलीफ में रखा, लेकिन हमने फिर जल्दी से आगे फिश वायर को काट दिया। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।